सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि बूफर कौन सा इंस्टॉल करें। ये देखिए इस क्लिप में फिट रहती है, ये नट बोल्ट होते हैं यहाँ पे। आप कोई सी भी गाड़ी लें उस कवर लगा दीजिए, बस हो गया, आपका काम खत्म। नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम कार में कैसे होम थिएटर इंस्टॉल करें उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, अगर आपको लगाने की इच्छा है तो आप जरूर ही सक्सेस हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप इसके बहुत ज़रूरी है। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए बूफर में क्या है कि सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि बूफर कौन सा इंस्टॉल करें। जैसे ये क्रिएटिव का बूफर है, ये सबसे ज़्यादा लोकल एरिया में या रिमोट एरिया में चलता है, क्योंकि बड़े शहरों में सिटी में लोगों की अच्छी खासी इनकम है तो वो प्रिफर कर लेते हैं सब बूफर। पर इन सब बूफर को हम इतना, कभी भी आपके पास एक्स्ट्रा सब बूफर है तो आप क्या करते हैं उसको किसी कचड़े में फेंक देते हैं या फिर घर में अपग्रेड करते हैं, क्योंकि ये सस्ते आते हैं। आप अपग्रेड करते हैं तो जैसे ये इतना हाई फाई है तो ये 4-5 हज़ार में मिल जाता है, ये आपके 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं और जाके अच्छी क्वालिटी का आप करेंगे प्रिफर तो 4000 के आसपास आ जाएंगे। अभी मैं बात करूं कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए, तो देखिए जितने भी वूफर हों, 3 इंची 4 इंची ये जो वूफर होते हैं ये आप ज़रूर इंस्टॉल करके देखें, इनका ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये 3 इंची का सब वूफर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सामने जो आपके रखा है ये 4 इंची का सब वूफर है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कहाँ पे करना है, जो गाड़ी में सिगरेट लाइटर होता है या तो उसको फ्रंट से आप इंस्टॉल कर सकते हैं या तो बैक से। अभी आगे आके मैं बताऊंगा कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे कि एक कमेंट आया था मयूर गोगरे जी का, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, अगर नहीं ले रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। उन्होंने कहा था मेरे पास फिलिप्स DSP 200 है। अब मैं उसके लिए बार बार देख रहा था नेट पर मेरे को कहीं पे मिला नहीं, तो मैंने ये कहा कि आप देख लें, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता। तो आप अगर साधारण सी बात में जानना चाहें तो सिर्फ एक ही सबसे अच्छा इलाज है कि आप सब बूफर की साइज नाप लें टेप से। जैसे ये है, इसको निकालिए, इसकी लेंथ नापिए, 3 से 4 इंच के बीच में सब बूफर हो, उसको आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी में एक कमेंट आया था संदीप कुमार जी का कि क्या होम थिएटर घर पे जैसा काम करते हैं वैसे ही कार पे काम करते हैं। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि घर में शांति होती है, कार चलती है तो उसमें नॉइस आती है, टायर की नॉइस आती है, बाहर की नॉइस आती है, क्योंकि घर में आप बिल्कुल प्रॉपर सिंपल तरीके से रहते हैं, लेकिन वहीं पर जब आप बाहर जाते हैं तो वो उस तरह से नहीं हो पाता है, काफ़ी सारी नॉइस आती है, इससे उनका जो आवाज़ है वो दब जाता है। अगर आप गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, गाड़ी में अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ स्पीकर्स ना लगाएं, क्योंकि जो सिगरेट लाइटर का अपना आउटपुट देता है वो 180 वाट देता है, 180 वाट से ज़्यादा नहीं देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 100 वाट के अंदर यूज करें। लगाने का क्या तरीका है, या तो आप एसी से डीसी कन्वर्टर यूज कर लें, मैं आपको लिंक दे दूंगा, साथ में फ़ोटो भी होगी, आप उनको लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने का मैं प्रोसीजर आपको अब बता रहा हूँ, अब पूरा ये अब डिटेल रिव्यू होगा। सबसे पहले मैं इसको लगा लूँ। आपको चाहिए क्या क्या, आपको सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, अगर इनको आपको खोलना है तो। अगर आपको क्रिएटिव का लेना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने फालतू में रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड में कर देंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आरसी केबल चाहिए, ये आरसी केबल है आपके पास, ये आरसी केबल है, ये 200-300 रुपये में मिल जाती है, आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है। आपको यहाँ पीछे आपके पास अगर छोटी केबल है तो इसको कट करिए, इसमें जो ये नीचे का रहता है वो अर्थ रहता है और जो कलर्ड में रहता है वो प्लस रहता है, प्लस माइनस रहता है। तो अगर आपको लंबी वायर चाहिए तो इनको करके कर सकते हैं, नहीं तो 200-300 रुपये में आपको कार डेकोरेशन शॉप में भी मिल सकती है। लगाने का क्या है, आप कैसे जानेंगे कि आपका बूफर सूटेबल रहेगा, तो मैं आपको दिखाऊं।
इसमें रेटिंग दी हुई है 2.9 एम्पियर 12 वोल्ट। तो अगर जितने एम्पियर है, बात समझिएगा, जितने एम्पियर है उसका आप इंटू 12 करते हैं तो वो आपकी वोल्टेज आ जाएगी। जैसे ये 2.9 एम्पियर है, मैं इसका अगर 3 से कन्वर्ट करूँ, 3 मोटा मोटा हिसाब मानूँ तो 12 × 3 36 वाट आता है। इसकी बूफर के साथ जब आप यूज करेंगे, जितने भी सारे स्पीकर हैं आप उनको यूज करेंगे, तो ये 48 वाट मैक्सिमम पावर यूज करता है। चूँकि आपका सिगरेट लाइटर 180 वाट मैक्सिमम यूज करता है, तो ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। ये तो और कम है, ये 30 वाट के समथिंग है। और एक चीज़ और, अगर आपके पास ओवल स्पीकर है, 6 इंच से बड़े स्पीकर हैं, तो फिर इनको लगाने का आपके पास कोई मतलब नहीं। आपके छोटे स्पीकर हैं, 4 इंची के हैं, थोड़ा सा ये ज़रूर है कि आपको जो लो बॉस रहता है ना, वो थोड़ा सा ये इनमें अच्छा रहता है। आप छोटी सी गाड़ी है आपके लिए तो परफेक्ट ये काम करता। धीमे धीमे आपके परिवार वाले, फैमिली वाले को नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा तेज आवाज़ में बॉस बजाएं, तो वो आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप उनको लगवाएं। आप इनमें भी लगवा के खुश रह सकते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं इनका रिजल्ट है, पर खुश रह सकते हैं। करना क्या है, इंटेक्स हो गया, इंटेक्स में थोड़ा सा अंदर ट्रांसफार्मर रहता है, उसके थ्रू करंट जाता है। लेकिन सबसे अच्छा रहता है क्रिएटिव, क्रिएटिव में आपके बाहर ही वो रहता है, आपका बाहर ही रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, बाहर से इसको कट करना है, समझ रहे हैं आप, बाहर से इसको कट करना है और ये वायर निकलती है, ये इसमें फिट हो जाती है। मैं आपको दिखाऊं, ये इसमें फिट हो जाती है ऐसे। तो आपको क्या करना है कि इस वायर को कट कर देना है यहाँ से, पीछे साइड से, आगे साइड से नहीं, जहाँ से प्लग है। जब कट कर दें तो यहाँ से कोई भी तार ज्वाइंट कर लें, अच्छी क्वालिटी का तार ज्वाइंट कर लें और यहाँ से निकाल दें। और तो आपके पास ख़राब सिगरेट लाइटर में जो आप चार्जर यूज करते हैं ख़राब हो तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा वे है उसके पीछे कनेक्ट करें, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इंटेक्स का कैसे आते हैं, इंटेक्स के लिए हम बताते हैं आपको, या फिर जितने भी सबवूफर हैं जिनमें अंदर ट्रांसफार्मर रहता है, जैसे ये इसमें बाहर, इनमें अंदर रहता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। क्योंकि ये पीछे रहते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे इनके नट रहते हैं, तो नट को निकाल दीजिए। ये काम का नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये 3 वायर हैं। इसमें जो ब्लैक वायर है ये निगेटिव का है, ये वायर पॉजिटिव के हैं जो ब्लू वाले हैं। इनमें 2 टाइप के आते हैं, एक में सीधे 12 वोल्ट जाता है, एक में 5 वोल्ट जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये जुगाड़ वाला काम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप जाइए किसी इलेक्ट्रीशियन के पास, उससे चेक करवाइए कि इसमें कौन सा वोल्ट आता है। अगर 5 वोल्ट आता है तो उसके लिए अलग से इसमें प्लेट में ही पॉजिटिव निगेटिव रहता है, वहीं से आप डायरेक्ट ले लें। या फिर 2 टाइप के आते हैं इसमें, जैसे ये है, ये 12 वोल्ट ही दोनों में देता है, तो आप क्या कीजिए, दोनों को इकट्ठा कीजिए और बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट इसको कनेक्शन दे दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि डायरेक्ट आपका ये प्लेट 12 वोल्ट से चलने लगेगा। ये जुगाड़ का काम है, पर फिर भी आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा परेशानी। लेकिन क्रिएटिव में ऐसा नहीं है, क्रिएटिव आपके पास 5.1 है, 2.1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आरसी केबल की बात करते हैं। जैसे क्रिएटिव में आरसी केबल डायरेक्ट जुड़ के आती है, डायरेक्ट जुड़ के आती है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके पास ये केबल है, इसका माइनस इसके बेस से जोड़ना है, बेस निकला रहता है इसके साइड से तार से, और कलर जो तार है उसको कलर से जोड़ दीजिए, सेपरेट कर दीजिए अपने टेप के द्वारा, तो ये जुड़ जाएगा। इनमें क्या रहता है, इनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे आरसी आउटपुट जो होता है उससे सिस्टम के, वहाँ से आप सीधे आरसी केबल को जोड़िए। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, नीचे साइड पे आउटपुट लिखा हुआ है, तो आउटपुट में ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जोड़ना चाहिए। इसी पे कमेंट किया था प्रदीप धूप ने कि मेरे गाड़ी में होम थिएटर कनेक्ट नहीं हो रहा है। होम थिएटर कनेक्ट नहीं हो रहा है उसका मतलब मैं आपको बता दूँ, 2017 से पहले की कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें कंपनी फिटेड अगर म्यूजिक सिस्टम आते थे, तो उनमें क्या रहता था कि पीछे से आरसी आउटपुट के लिए प्रॉपर ऐसी ही
आरसी पिन दिए रहती थी, लेकिन अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें ये आउटपुट नहीं है। तो शायद आप परेशान हो जाएं कि इसमें है कि नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, अमेजन पे लिंक मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, और साइड में फ़ोटो भी आती होगी, एक कनेक्टर आता है आरसी से। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मैकेनिक के पास जाना है जहाँ पे आपके स्पीकर के कनेक्टर हैं, वहाँ से आप एक सोल्डरिंग कर सकते हैं या क्लिप आती है क्लिप लगा दें और उसको कनेक्ट कर दें डायरेक्ट उससे आरसी कनेक्टर से। वो तुरंत आपको ये एक आउट दो आउटपुट वहाँ से दे देगा स्पीकर से। तो आप उससे लगा के भी इस बूफर को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कमेंट पे और आऊँगा मैं। राहुल चंदेल जी का स्पेशल, उन्होंने बोला था कि मेरा क्रिएटिव बूफर है, आप पूरा ध्यान से देखिए आपको सब मालूम चल जाएगी। जितनी भी लोकल बेस आपको बातें थी, मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको बता दिया। कनेक्ट अब कैसे करना है होम थिएटर को, आइए चलते हैं कार में और आपको बताते हैं कि कैसे इंस्टॉल होगा। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी क्योंकि एक वीडियो में हर चीज़ बताना बहुत ही मुश्किल होता है। एसी तो डीसी कन्वर्टर का मैंने आपको बता दिया, इसमें एक थोड़ी सी और प्रॉब्लम है एसी डीसी कन्वर्टर में, चूंकि आपका अगर ज़्यादा वॉटेज का हो गया, जैसे 100 वाट का हो गया, जैसे समीर बांगरे ने भी पूछा था कि मेरा फिलिप्स का 200 का उसमें 100 वाटेज दिखा रहा था कि 100 वाटेज वो कंज्यूम करता है। अब आप अलग से एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर लेंगे तो वो करीब आपका कंज्यूम करेगा 20 से 40 वाट, तो उसमें बढ़ जाता है। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि 100 वाटेज के अंदर रहे आपका जितना भी कंज्यूम कर रहा हो, उसका आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं सीधे गाड़ी पे, आपको दिखाते हैं कि कैसे हम ये सबको इंस्टॉल करेंगे। कनेक्टर का मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट आपको कनेक्ट इससे कर देना है, इससे आपको कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट। सबसे अच्छी बात इसमें है कि क्रिएटिव, मेरे में तो है ऐसा कि क्रिएटिव में आप प्लस माइनस कैसा भी जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके किसी भी बूफर में वाइट कलर की ग्रे कलर की अगर तार है तो वो समझ जाइए नेगेटिव है, और किसी भी रेड कलर की हो या फिर किसी डिफरेंट कलर की हो, ग्रीन कलर की हो, कुछ ग्रीन नेगेटिव आते हैं, आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं कैसा होता है। कलर्ड वायर हमेशा पॉजिटिव की होती है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। आपको जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे हाउ टू इंस्टॉल सबवूफर, आपको आई कट बटन पे उसका वीडियो मिलता होगा। आपको शॉर्ट में जानना हो तो आप जान सकते हैं, बाकी मैंने उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे इसलिए मैंने ये डिटेल्ड रिव्यू बना दिया है। चलिए बूफर को अब इंस्टॉल करते हैं। ये तो देखिए मैंने जब मैं, ये मेरा बहुत पुराना बूफर है, करीब 10 साल पुराना बूफर है, क्रिएटिव का 5.1 है। ये तो मैंने ऐसे मजाक में ब्लूटूथ लगाने के चक्कर में ये सब काट पीट दिया था, फिर हो गया, मैंने उसको हटाया और फिर से इसको सील कर दिया। कोई भी बूफर आप यूज कीजिए वो प्रॉपर सील होना चाहिए। अब कैसे लगाना है इसको, यहीं पे मैं बाद में सब कुछ बना लूँगा, पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपका केबल है, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये केबल है, इस केबल को आपको जॉइंट करना है, या फिर आप तार में लगाते हैं तो आप समझ गए होंगे कि तार को, अब तार को कहाँ लगाना है आप ध्यान, ये देखिए मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये क्लिप होती है इसके अंदर, ये देखिए इस क्लिप में फिट रहती है, ये ऐसे ही फिट रहती है। तो आपको जनरली कुछ नहीं करना है, आप जो ये वायर लाए हैं, ये वायर दोनों ये वायर लाए हैं, तो क्या कीजिए आप, ये जो वायर लाए हैं आप, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ऐसे ही डालना है, इसको ऐसा तीखा कर लीजिए थोड़ा सा, और इसके अंदर ऐसे डालिए और इसको ऐसे डालिए, प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला है ये प्लस है, ये नीचे वाला माइनस है, और दोनों तार्स जॉइंट्स नहीं होने चाहिए। इसको ऐसे ही फिट करके आप ये फिट हो गया, ये इसको भी थोड़ा अंदर जाने दीजिए, ये फिट हो गया। फिर क्या कीजिए कि चारों तरफ से आप, इस फिट हो गया ना, इसको चारों तरफ से आपको टेप करना है, ऐसे ही लगा दीजिए और चारों तरफ से टेप करके इसको जो नीचे है ना इसमें फिट कर दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा फिट करके बताता हूँ, ये देखिए आप,
इसको मैंने लगा दिया है, ये देख रहे हैं आप, इसको मैंने प्रॉपर टेपिंग करके मैंने लगा दिया है। अब देखिए ये जो प्लग है, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने फिट किया। ध्यान से देखिएगा, अभी देखिए इसमें लाइट नहीं आ रही, अभी मैं इसको, ये देखिए लाइट आने लगी, अभी मैं बंद करूंगा, धीरे धीरे लाइट चली गई, मतलब ये प्रॉपर कनेक्शन हो गया है। अब आपको आरसी केबल का कैसे कनेक्शन करना है, आरसी केबल का कनेक्शन देखिए ऐसे करना है कि आप सबसे पहले आपके नट बोल्ट होते हैं यहाँ पे, आप कोई सी भी गाड़ी लें उसमें जरूर होता है, नहीं तो क्लिप सिस्टम होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस नट को खोल दें, मैंने ऑलरेडी पहले से ही खोल रखा है, खुल गया। आपको क्या करना है, इसको निकालना है, आपको निकालना है ऐसे, आराम से निकालना है इसको, और ध्यान से देखिए आपको ये दोनों आरसी केबल दिख रही हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर इसको ले जाके, देखिएगा ध्यान से, इसको नीचे ऐसे फिट कर देना है, तो ये फिर आपका साउंड करने लगेगा। अभी मेरे को ये फिट करना है चारों तरफ से, तो मैं इसको पहले फिट कर लूँगा, फिर आपको NCS का एक सॉन्ग सुना के दिखा सकता हूँ, मैं दिखाऊँगा। देखिए बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। ज़रूर ये ध्यान दीजिएगा कि जो वूफर की साइज है ना, वो थोड़ा सा कम रहे, आपके वोल्टेज 100 के आसपास रहें। आप कमेंट करेंगे कि ये वूफर में लग जाएगा कि वो वूफर नहीं लग जाएगा, आपको वोल्टेज में मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 इंच के आराम से वूफर लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इनसे हैवी वाले आप ज़रूर ना लगवाएं। अभी मैंने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते हैं, दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए ये प्रॉपर RC केबल लग गया है, ये आपके सामने है। मैं जब इसको बंद कर दूंगा तब इसकी आवाज सुनिएगा, जब मैं इसको NCS का गाना सुनाऊंगा। ये देखिए अभी ये चालू है, अभी इसको मैं बंद कर दूंगा, अभी आपको साउंड सुनाता हूँ मैं। अभी ये नॉर्मल आवाज है, बूफर ऑन करता हूँ मैं, बिना बूफर के। अभी इसको बंद कर देता हूं मैं, होप करता हूं मैं कि आपको सब कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी मैं इसकी डिसएडवांटेज में बताऊंगा, चूंकि आप जब आप डायरेक्ट घर की बिजली से कनेक्ट करते हैं तो प्रॉपर बराबर आपका वॉल्यूम रहता है, उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, तो वो आवाज नहीं करता। ये जो पुराने मॉडल्स है ना, इनमें थोड़ा सा साउंड दिक्कत करता है, साउंड इसमें अलग से आता, कभी कभी भरभराहट की आवाज आती है। लेकिन जो नए सिस्टम आ रहे हैं या फिर आफ्टर मार्केट वाले सिस्टम है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मैं इस बूफर को आधा गेन किया हूँ, अभी आधा ये और गेन होगा, बहुत ज्यादा साउंड रहता है, पर क्योंकि थोड़ी सी भरभराहट की आवाज आती है, मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। इसका मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, बूफर का जो बेस होता है वो मैं बढ़ाता हूँ। ये देखिए आपको बटर बटर की आवाज आती हो, अभी ये नॉर्मल हो गया। तो क्या होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये म्यूजिक सिस्टम केनवुड का थोड़ा सा इसको सपोर्ट नहीं करता है। मेरे दोस्त की गाड़ी में मैंने खुद ही अपने दोस्त के में इंस्टॉल किया, उसमें प्रॉपर काम करता है। इसमें थोड़ी सी ये क्योंकि पुराना मॉडल है इसलिए ये कुछ दिक्कत कर रहा है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा आप कम कर देंगे, प्रॉपर आवाज आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। बाकी जब आपका सारा काम हो जाए तो इन नटों को आप कस दीजिए, जैसा मैं कस रहा हूँ, और उसके बाद ये कवर लगा दीजिए, बस हो गया, आपका काम खत्म। ऐसे ही वीडियो आपको आई बटन पे मिलती होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगी इसमें, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लग गई है, औरों में इतनी ज्यादा नहीं, इसमें तो बहुत ही मेहनत लग गई है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।